डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तू कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे। कौन कौन भेजेगा संदेशा, पूरे पूरे हाथ उठा लेना और मिर्कल तालियां बजाकर एक दो से।
किया जा रे। अरे पगले, मैंने मेरी तरफ कैमरा करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा तू भी बोल डा किया जा रे, तेरा संदेश अभी पहुंच जाएगा, फिर तुझे ऐसे शेर में खड़े होकर कैमरा नहीं करना पड़ेगा, तू भी मालिक बनकर पीछे बैठेगा। पूरे हाथ उठा लेना, पूरे पूरे, एक बार हाथ उठा, एक बार हाथ उठा, देख बाबा इसको देख लेना। निकल गया, बस पकड़कर पहुंचा घाट, बस अड्डे पर उतरा, लोगों से पूछा बाबा का मंदिर कहाँ है, लोगों ने बताया, डाकिया भी मंदिर पहुंचा, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, डाकिया के भी पांव लड़खड़ाए, उसे लगा कोई झटका, वो भी एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा, तेरहवीं सीढ़ी चढ़कर डाकिया ने अपने झोले में हाथ डाला। डाकिया कभी भी घर में आता है ना, घंटी बजाता है, घंटी बजाते जब आप दरवाजा खोलते हो तो सबसे पहले आपको नहीं देखता, सबसे पहले झोले में हाथ डालता है और झोले में हाथ डालकर निकालता है, फिर आपकी तरफ देखता है। डाकिया ने भी बाबा को नहीं देखा, पहले झोले में हाथ डाला और हाथ डालकर चिट्ठी निकाली। पहुंच गयो दरबार शाम के, बोलन लाग्यो संदेशो बाबा, बन बैठो कद शाम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो, बोल टकटकी लगाकर दरबार में खड़ा रहा, आत्मा से एक ही आवाज आ रही थी, तेरे द्वार खड़ा, तेरे द्वार खड़ा, मैं हार गया हूँ मेरे श्याम, मैं हार गया हूँ मेरे श्याम, नहीं कोई ठिकाना है दुनिया में तेरे दर के सिवा मेरे श्याम, तेरे दर के सिवा मेरे श्याम, तेरे द्वार खड़ा, तेरे द्वार खड़ा, आंसुओं का सैलाब आ गया, डाकिया जमीन पर गिर गया, सर पटकने लगा, उसने बाबा से कहा बाबा पिछले 40-42 सालों से मेरी जिंदगी साइकिल के दो चक्कों के बीच में उलझ कर रह गई, इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल जानने कोई नहीं आया।
दो चार महीने बाद मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन मैं अब डॉक्टर की नौकरी नहीं करना चाहता। भला हो उस सेठ का जिसने आपके दरबार में मुझे भेज दिया, मुझे कहीं बचाने दो, मुझे अपने चरणों की सेवा में रख लो। तनख्वाह में मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो टाइम आपके भूख की आधी रोटी मिल जाएगी, वही खाकर आपके और आपके सेवकों की सेवा कर दूंगा। अचानक लगा कि एक आवाज आई है, अरे पगले, तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया है, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे। जिस सेठ का संदेशा लेकर आया है, उसका संदेशा का जवाब लेकर जाकर उसको सुना कर आ जा, उसके बाद तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। डाकिया को केवट भी याद आ गई, जब भगवान राम ने कहा था मुझे गंगा पार करा दे, तब केवट ने चरणों में गिरकर कहा था भवसागर पार कराने वाले को मैं गंगा पार करा दूं। डाकिया ने कहा दुनिया का काम बनाने वाले, मैं आपका काम क्या बनाऊं। खड़ लिया सुबर सीधार जैया सावन की फुहार, आखड़ लिया सुबर सीधार जैया सावन की फुहार, देख सांवरिया बोलो ये वचन, डाकिया अब बाबा, अब बाबा डाकिया से क्या कह रहा है, तालियां बजा लेना प्रेमियों। संदेशो सेवक न दीजे सेवक संदेश न तरसे, संदेशो सेवक न दीजे सेवक संदेश न तरसे, सेवक यारा तेरी निरखे। डाकिया जा रे, देखो डाकिया निकल गया है बाबा की चिट्ठी लेकर, हाथ उठा लेना, क्या पता ये चिट्ठी आपके नाम पर हो, कौन कौन चाहता है ये चिट्ठी उसको मिले, ये तालियां बजा करें साथ में। चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है, बोलो 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 चिट्ठी। चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, हर बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज, हर बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज, भगत की चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। मैं आता रहूं मैं पाता रहूं तेरा प्यार सांवरे, बोलो मैं पाता रहूं तेरा प्यार सांवरे, आता रहूं दरबार सांवरे, आता रहूं दरबार सांवरे। कौन कौन दरबार जाना चाहते हैं मिलकर एक साथ से। Thank you.
आधी रात को सेठ के घर पहुंचा, ढाई बजे तालियां बजाना। जिसने अभी तक तालियां नहीं बजाई बजा लेना प्रेमी। उस दिन सेठ के घर में कोई नहीं था, सेठ अकेला सो रहा था। अचानक रात को ढाई बजे घंटी बजी, सेठ ने सोचा आधी रात को कौन आया है। अचानक याद आया, डाकिया आया है, मेरे बाबा का संदेश लेकर आया है। उसने तुरंत उठना चाहा, लेकिन वो भूल गया उसके पांव तो काम नहीं करते। किसी तरह घसीट घसीट कर व्हील चेयर तक पहुंचा। बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर बैठा और धक्के लगाते लगाते दरवाजे तक पहुंचा। तब तक डाकिया ने 5-6 बार घंटी बजा दी। सेठ दरवाजे पर पहुंचा, हैंडल पर हाथ रखा और हैंडल खोलता, दरवाजा खोलने के लिए हैंडल को दबाने लगा, लेकिन हाथ से हैंडल टच से मच नहीं हुआ। एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। बाहर से डाकिया बार बार घंटी बजा रहा था, अंदर से सेठ बार बार हैंडल को दबा रहा था। आग बाहर भी लगी थी, आग अंदर भी लगी थी। बाहर आग इस बात की लगी थी, जल्दी से बाबा का संदेशा सुनाकर बाबा के चरणों में पहुंचना है, और अंदर आग इस बात की लगी थी कि जल्दी से बाबा का संदेशा सुनना है। सेठ हताश हो गया, उसने दोनों हाथ हैंडल पर रख लिए, सिर पटकने लगा। कहा, बाबा मुझे मालूम है मैं गुनहगार, अब और सजा मत दो बाबा, एक बार मुझे डाकिया से मिलवा दो, उसके बाद जीवन ले लेना, और सजा मत दो। उसने न जाने कितनी ताकत लगाई, दोनों हैंडल पर हाथ रखकर एक पूरी ताकत झोंक दी और एक जयकार लगाया, हारे के सहारे की। और अचानक उसने देखा दरवाजा खुल गया, व्हील चेयर नीचे चली गई, सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया और दौड़ कर डाकिया के पास। सेठ डाकिया के चरणों में जाकर गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। सेठ ने कहा, डाकिया जल्दी बता मेरे बाबा ने क्या कहा। डाकिया ने थैले से चिट्ठी निकाली, सेठ के हाथ में देने लगा। सेठ दूर हट गया, मैं पापी आदमी, मैं बाबा की चिट्ठी पढ़ने लायक नहीं हूं। तू बाबा से मिल कर आया, अपने पावन हाथों से पटकर सुना दे कि मेरे बाबा ने मुझे क्या कहा है। डाकिया ने चिट्ठी खोली, कहा सुनो, वो संदेशा उसने सिर्फ बाबा ने सिर्फ सेठ के लिए नहीं भेजा, हम सबके लिए भेजा है प्रेमी। तालियां बजा के कह दीजे तू जाए सेवक ने तेरो बुलावो आसी, सेवक रे कह दीजे तू जाए सेवक ने तेरो बुलावो आसी, सबकी आस पुराऊं तो तू कहियां रह जासी, हो तेरी सारी जानू बात पूरी करसू मन की आस, तेरी सारी जानू बात पूरी करसू मन की आस, पर पढ़ा मेरे काने कदम।
कदम तेरा होना पड़ेगा। कौन कौन जाएगा बाबा के दरबार में, उठा लो हाथ और मिलकर सुने संदेशो सांवरिए को मनडो घनो हर सायो बंध गया पाँव में घूघरिया सा मन को मोरियो गायो ओ महारो श्याम बड़ो दिलदार हो जाओ लेवन ने तैयार महारो श्याम बड़ो दिलदार हो जाओ लेवन ने तैयार महिमा गावे है कमल किशन डाकिया जा रे डाकिया जा। अच्छा बताओ संदेशा कौन कौन भेजना चाहता है, अब मैं नहीं बोलूंगा आपको बोलना है, मैं आपका डाकिया हूं, मिलकर बोलना जोरदार आवाज में डाकिया तरसे डाकिया जा रे बोल साचे दरबार की